किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ मौसम में दलहनी फसलों का उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाने में खाद एवं उर्वरक क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी फसलों के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो मुख्य तीन पोषक तत्व हैं। अभी हम लोग चार पोषक तत्वों के लिए हम लोग ये बात करते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, इसकी मात्रा 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर हम लोग डालते हैं। साथ में 20 से 25 किलोग्राम सल्फर की मात्रा डालते हैं। सल्फर डालने का हमारा मकसद होता है कि इसके क्वालिटी को बढ़ाना, ग्रेन का जो है क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल, नाइट्रोजन का इस्तेमाल इसमें कम होता है, यूरिया का इस्तेमाल, चूँकि ये एक दलहन एक ऐसा फसल है जिसमें एक अपना खुद का क्षमता होता है कि जो वायुमंडलीय नेत्रजन होते हैं उनको स्थापित करने का इनके जड़ों में क्षमता होता है और उसके माध्यम से खुद ही नाइट्रोजन बनाते हैं। और इसका तो बहुत सारा लाभ है, कोई भी दलहन फसल करते हैं, खास करके अरहर, ये एक ऐसा फसल है कि हमारे दूसरे फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। वहाँ पे उसको खरपतवार से भी बचाता है उस खेतों को। इसके बाद जो उसमें बीमारी लगते हैं, अगर मिट्टी जनित कुछ भी रोग हैं या कीड़े हैं मिट्टी वहाँ पे उपलब्ध, उन सब को भी नाश करने के लिए और दूसरे फसलों के लिए एक फसल चक्र का काम करता है। तो जिस मिट्टी में अच्छी खेती नहीं हो पा रही है और जो इवन हम खेती बहुत दिन से किसान खाली छोड़े हुए हैं खेत को, वैसे खेतों में लंबी अवधि की, जैसे हम नरेंद्र अरहर 1 की बात किए, इन सब जो है, चाहे आप मालवीय 13, ये सब जो है लंबी अवधि की वैरायटी है, तो इन सब किस्मों को आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पत्ते गिरते हैं और वो कार्बनिक पदार्थ वहाँ की मिट्टी में बढ़ाता है और कार्बनिक पदार्थ एक बार मिट्टी में जहाँ पे बढ़ गया, वहाँ के मिट्टी का जल धारण क्षमता अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस जगह क्या होगा कि दूसरे फसलों के लिए वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अब जैसे अब देखते हैं हमारे झारखंड में खास करके दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो दीमक का प्रकोप है तो दोनों तरह के काम करते हैं। इसका इस्तेमाल आप कीट नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। जो हमारे पास क्लोरपाइरीफॉस के नाम से जो दवा आती है, अलग अलग नाम से रामबाण, दर्शबाण और इन सब नामों से भी वो आता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीज को उपचारित करने के लिए भी कर सकते हैं, साथ में आप मिट्टी में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर पौधे पे अगर कीड़े आपके दिखते हैं तो उस जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इंडोसल्फान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सब दवाओं से आप कीड़े से आप बच सकते हैं।